हर घर का दरवाजा कांग्रेस के लोग खटखटाएंगे। गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी की एनरोलमेंट यानी रजिस्ट्रेशन करके लेकर आएंगे। ये अगले एक हफ्ते से 10 दिन का कार्यक्रम है जो हमने अपने सब साथियों को दिया है। हर विधानसभा, हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर जिला पंचायती, हर छोटे छोटे जो हैबिटेशन है वहां तक कांग्रेस के साथी जाएंगे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण, जिला कांग्रेस कमेटी और सब अग्रिम संगठनों के साथी जाएंगे। आज ये हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के साथ साथ मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा, इस कार्यक्रम को लेकर, ग्रह ज्योति और ग्रह लक्ष्मी को लेकर बहुत बेचैनी और तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के मन में, शायद इसी कारण से अश्वत्थ नारायण जी जो सरकार के एक मंत्री हैं, और मैं नहीं मानता कि वो अश्वत्थ नारायण कह रहे हैं, वो बसवराज बोम्मई जी, नलिन कुमार कटील जी, जेपी नड्डा जी और मोदी जी के इशारे पर उन्होंने कहा, जब उन्होंने ये कहा अश्वत्थ नारायण ने कि सिद्धारमैया जी का कत्ल कर दो, साफ आपके टेलीविजन ने रिकॉर्ड किया। ये कांग्रेस के नेताओं को मारने की धमकी दे रहे हैं। हिंसा की बात कौन करता है साथियों? हारे हुए लोग और हारी हुई पार्टियां ही हिंसा की तरफ जाती हैं। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो गया है कि वो ये चुनाव बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, इसीलिए अब वो सिद्धारमैया जी का कत्ल करवाने की बात कर रहे हैं। कल बोलेंगे डीके शिव कुमार का कत्ल कर दो, परसों बोलेंगे सतीश जारकिहोली का कत्ल कर दो, पर अश्वत्थ नारायण जी, नलिन कुमार कपिल जी, बसवराज बोम्मई जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस का इतिहास ही लहू से कुर्बानी देकर देश और इलाकों की रक्षा और तरक्की का है। गरीबों की, नौकरी पेशा लोगों की, सामान्य वर्गों को फायदा देने वाली ये स्कीम न सिद्धारमैया जी का कत्ल करने से बंद होने वाली, न डीके शिव कुमार जी का कत्ल करने से बंद होने वाली। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस झंडे को उठाए रखेंगे और महात्मा गांधी जी हिंसा की इस राजनीति के शिकार हुए जब गॉडसे ने कई गोलियां उनके सीने में मारी। कांग्रेस ने हिंसा की इसी राजनीति का सामना करते हुए इंदिरा गांधी जी ने की हिंसा करने वालों ने हत्या कर दी। राजीव गांधी जी को कांग्रेस के और देश के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री को बम से उड़ा दिया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सरदार बेन सिंह के 1000 टुकड़े कर दिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री विद्याचरण शुक्ला जी को सीने में 100 गोली मारकर हत्या कर दी। हमारे आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उनकी दिन दहाड़े छत्तीसगढ़ में इसी हिंसा की राजनीति ने हत्या कर दी। पर 75 साल में कांग्रेस रुकी नहीं। आप ये समझते हैं कि सिद्धारमैया जी की हत्या करने से या फिर डीके शिव कुमार की हत्या करने से ग्रह ज्योति और ग्रह लक्ष्मी स्कीम रुक जाएगी? तो अश्वत्थ नारायण जी को, नलिन कुमार कटील जी को और बसवराज बोम्मई जी गलत फहमी के शिकार हो। और आज मैं चुनौती देता हूँ अश्वत्थ नारायण को भी, बसवराज बोम्मई जी को भी, नलिन कुमार कटील जी को भी, आप हत्या करना चाहते हैं ना, आप हत्या करना चाहते हैं ना सिद्धारमैया जी की या डीके शिव कुमार की? बताइए, अगर आप में हिम्मत है तो जगह बताइए, टेलीविजन के सामने हम उन्हें लेकर आएंगे, किस ग्राउंड में लेकर आएंगे, करिए हत्या उनकी। हत्या करने से विकास की राजनीति और ब्रांड कर्नाटका की बढ़ोतरी नहीं रुक सकती, ये चलती रहेगी और ये हमारा संकल्प भी है और ये हर कांग्रेस के साथी का संकल्प है। हम हिंसा से डरते नहीं, हमने अपना लहू देकर, कुर्बानी देकर इस देश को बनाया है और इस देश को चलाया है। आप एक सिद्धारमैया जी को मारकर आप नहीं रोक सकेंगे कांग्रेस को, आप एक नहीं, आपको लाखों हजारों कांग्रेस के लोगों को मारना पड़ेगा, फिर भी ये सिलसिला चलता रहेगा।
कोई सवाल पूछना चाहे तो स्वागत है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के सवाल बेमानी हैं। आपको अगर ये देखना है तो कल आकर तुमकुर में हमारी बैठक है जो डॉक्टर परमेश्वर ने ऑर्गेनाइज की है, आप जरूर अपने चैनल के साथ वहां आइए और उनसे ये सवाल पूछिएगा। हमें केवल और केवल ब्रांड कर्नाटका को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर परमेश्वर एक महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता हैं, हमारे अभिन्न मित्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कांग्रेस की, और वो अपनी अपनी पूरी जान लगाकर ये स्कीम कहां से आई। हमारे कांग्रेस के नेताओं ने समय डॉक्टर परमेश्वर के एक एक जगह जाकर सर्वे किया, ये जाना कि कर्नाटक की जरूरियात क्या है और उस जरूरियात के आधार पर हम ये निर्णय कर रहे हैं। आप वो गारंटी दे रहे हैं की और आप लोगों को तो गारंटी दे रहे हैं, तो कार्यकर्ता जो आपके पार्टी के लिए मेहनत करता है और पार्टी के लिए जिताता है उसकी क्या, उसकी मेहनत की क्या गारंटी है? अगर वो एक MLA के टिकट के लिए एप्लीकेशन भरने के लिए भी 2 लाख रुपए देना पड़ रहा है आपके पार्टी, आप लोगों को क्या गारंटी दे कि आपके कार्यकर्ता की गारंटी नहीं है सब? आपकी आलोचना को के लिए साधुवाद कि आपने अपनी तकलीफ जाहिर की, और मैं आपको आपके कार्यकर्ता की तकलीफ है वो आपके सामने बोल नहीं सकते, वो हमारे सामने आवाज उठाए वो आवाज आपको पहुंचा रहे, आपका आपका जो संविधान है पार्टी का अगर ये ठीक लगता है आपको आपने अपने निर्णय के लिए अब मैं बोलूं, क्योंकि मैं जब भी बोलने लगता हूं आप फिर लंबी सी स्पीच दे देते हैं मुझे। भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ में विधायक खरीदती है, आपको वो अच्छी लगती है क्योंकि उन्हें फिर पैसा लेने की जरूरत नहीं ना? क्या 2 लाख रुपए में आप कार्यकर्ता को? देखिए साहब, मैं अब याद मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोलिए, इधर आ जाइए, मैं साइड में बैठ जाता हूँ। बोलिए नहीं नहीं मैं नहीं बोलूँगा, आप जब कहेंगे मेरे को इजाजत देंगे तब मैं। सर एक पहले एक मित्र है उनका आप सम्मान तो करिए। भारतीय जनता पार्टी तो 100 करोड़ में विधायक खरीदती है, कांग्रेस पार्टी पारदर्शी तरीके से वो सारा फंड जो आया है वो कांग्रेस के लोगों का है, गैर कांग्रेसी लोगों को शिकायत क्यों है? पत्रकार साथियों को तो हमें इस बात की शाबाशी देनी चाहिए कि कांग्रेस ने पारदर्शी तरीके से फंड पार्टी को चलाने के लिए एकत्रित किया है। हम उससे बिल्डिंग बनाएंगे, उससे चुनाव लड़ेंगे, उससे प्रचार करेंगे, तो जो ये कमीशन 40% कमीशन का चक्कर है जो भाजपा ने फैला रखा है वो बंद हो जाएगा अपने आप। और इतना ही नहीं, अभी तो हम और कांग्रेस के साथियों को कहेंगे कि अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक और इच्छा के मुताबिक जो पैसा वो पार्टी को देना चाहे वो दें, क्योंकि कैंपेन अगर चलाना है, अगर वो पार्टी जो 6,000 रुपए में लोगों का ईमान खरीदना चाहती है, 6,000 रुपए में वोट खरीदना चाहती है, उनसे लड़ना है, तो हमें भी तो बैनर पोस्ट कल को आप कहेंगे इश्तहार नहीं दिया आपने, परसों आप कहेंगे आपने ये होर्डिंग नहीं लगाया, अगले दिन आप कहेंगे अखबार में इश्तहार नहीं आया, फिर आप कहेंगे टेलीविजन पर इश्तहार, ये जरूरी है मैं मानता हूं, और इसके लिए हम पारदर्शी तरीके से अगर कांग्रेस के लोग कांग्रेस को ही हमारे परिवार के लोग अपने परिवार को फंड दे रहे हैं तो किसी तीसरे आदमी को उस पर एतराज नहीं होना चाहिए, ये मेरा विनम्र आपसे आग्रह है। देखिए मित्र, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, मैं उसे प्रवृत्ति कहता हूं। साधारण भाषा में अगर आप बाहर किसी से पूछेंगे हिंदुस्तान में तो वो उसे सुर असुर की संज्ञा देते हैं, इसीलिए मैंने उस बोली में लोगों को बताया, एक अच्छी प्रवृत्ति है एक बुरी है। वो मई सरकार 40% सीधे सीधे कमीशन खा रही है, ये मैंने नहीं कहा, ये लिखकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कहा, ये लिखकर टीचर्स एसोसिएशन रूपसा ने कहा, ये दिंगलेश्वर जी स्वामी महाराज जो मठाधीश हैं, हमारे मठ के प्रमुख हैं, हमारे आदरणीय हैं, संत हैं, उन्होंने कहा घटक से जो हैं, ये अनेकों लोगों और संस्थाओं ने सामने आकर कहा,
परंतु जिस व्यक्ति से सवाल पूछा जाना चाहिए। दिल्ली की प्रेस हो सकता है कि कई बार कमजोर पड़ जाए, कर्नाटक की प्रेस तो बुलंद है। अगली बार जब मोदी जी आए, 8 बार आ चुके, किसी ने सवाल नहीं पूछा कि भैया 40% पे कब कार्रवाई करोगे मोदी जी। अगली बार चलते चलते ये सवाल जरूर पूछिएगा, जवाब अपने आप। कांग्रेस का गारंटी जो है गृहलक्ष्मी जो है वो कर्नाटक सरकार की नहीं आदरणीय साथी, सवाल के लिए साधुवाद। अच्छा एक बात बताइए, एक वो बुजुर्ग कहा करते थे जो हमने सुना के भाई नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, तो सही है कि गलत है? एक तरफ तो बसवराज बोम्मई कहते हैं कि हमारी स्कीम लागू नहीं हो सकती, एक तरफ कहते हैं कि मेरी स्कीम कॉपी कर रहे हो। आप कौन सी बात सच है बोम्मई साहब? कम से कम हमारी नकल मारनी है तो अकल से तो मार लो यार। आपको आपको नकल मारनी भी नहीं आती, तो इसलिए गृह लक्ष्मी योजना, गृह ज्योति योजना इस प्रदेश के नौकरी पेशा लोगों, इस प्रदेश के गरीबों, इस प्रदेश के साधारण व्यक्तियों, ना ये जाति पे लागू है, ना किसी धर्म पे लागू है, अमीर और गरीब का कोई इसके अंदर अंतर नहीं है। जिसको ये चाहिए वो फैसला करेगा खुद, और ये उन सब के लिए, इसीलिए अपने आप में यूनिक है देश में। मुझे नहीं लगता किसी दल ने इस प्रकार की स्कीम लागू की। सर वो बिल्कुल आपने वादित सतीश जारकिहोली जी, ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष दूसरे सलीम जी, डीके शिव कुमार जी, सिद्धारमैया जी, मोहन प्रकाश जी जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, ये मिलकर निर्णय करेंगे। मैंने इन सबसे राय की है, मैं बता सकता हूँ कि मुझे लगता है आज 19 तारीख हो गई ना, 19 हो गई, मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में हम पहली जो टिकट्स की वो है इंस्टॉलमेंट को रिलीज कर पाएंगे। सर मेरे से ये पूछते ही नहीं, तो आप इनसे अलग से बात करिए, आपके मित्र हैं, बताइए। सतीश अन्ना जो है वो वैसे भी बहुत कम बोलते हैं, मशहूर और ये किसी को कुछ बताते भी नहीं। ये सलीम भाई भी ऐसे ही संगठन के व्यक्ति, मैं जब चला जाऊंगा उठकर तो आप इनसे अलग से बगैर कैमरा बात करिए, शायद आपको कुछ बता दें। आप मुझे हथियार नहीं है, जिनको बोलना चाहिए वो बोलते नहीं है, तो आपके दोस्त हैं ये, तो आपकी हिम्मत है, आपकी कमी है कि वो बता नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।